आपने ये तो जरूर सुना होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब से लड़ाई होती है तो हम सभी लोग मर जाएंगे। तो कैसे ये छोटा सा बॉम्ब 10 लाख लोगों की जान ले सकता है? दरअसल ये बॉम्ब 4 लेयर से मिलकर बना होता है। पहली होती है आउटर लेयर, दूसरी होती है एक्सप्लोजिव लेयर, थर्ड होती है प्लूटोनियम लेयर और चौथी होती है एलिमेंट्स लेयर। जब इस बॉम्ब को गिराया जाता है तो इसके बाहर लगे एंटीना से इसकी हाइट पता करके एग्जैक्ट 1600 फीट के ऊपर इसके अंदर एक बहुत तगड़ा धमाका किया जाता है, यानी कि इसके अंदर का सारा बारूद एक टाइम फट जाता है, जो कि इसके अंदर रखे प्लूटोनियम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिस प्रेशर की वजह से इस प्लूटोनियम के अंदर रखी ये दोनों एलिमेंट्स पोलिनियम और ब्लैलिनियम ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और देखते ही देखते ये दोनों एलिमेंट्स लाखों करोड़ों एलिमेंट्स में बदल जाते हैं, जिस कारण एक बहुत भयंकर ब्लास्ट होता है। इसी तरह की 3D वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।